दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस न्यू ब्लॉग में। दोस्तों छत्रपति संभाजीनगर से हम निकले हैं मथुरा। मथुरा लगभग छत्रपति संभाजीनगर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो लगभग 17 घंटे का प्रवास आपको करना होता है। दोस्तों जाते हुए हमें रास्ते में यहाँ पे बारिश भी लगी, धूप काले में बारिश का भी आनंद हमने लिया और वहाँ से हम निकले। झांसी होते हुए हम पहुँच गए हैं मथुरा। मथुरा के बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो ये जन्म स्थान है श्री कृष्ण भगवान जी का। और वृंदावन के बारे में अगर बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी रासलीलाएँ श्री कृष्ण भगवान जी की है। काफ़ी बड़े बड़े मंदिर मथुरा और वृंदावन में है। यहाँ पे लगभग 5000 से ज़्यादा के मंदिर है। ऐसे तो मथुरा और वृंदावन को मंदिर वाला शहर भी कहा जाता है। तो चलिए हम निकलते हैं। जैसे हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे वृंदावन को, मथुरा को, और टाइम के हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट होती है उस हिसाब से सभी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और मथुरा वृंदावन होने के बाद में हम निकलने वाले हैं वैष्णो देवी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में, लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मथुरा, मथुरा से वृंदावन पहुंच गए हैं। और हमने जहाँ पे होटल रुक किया था वहाँ पे पहुंच गए हैं। होटल का रूम काफ़ी अच्छा है। इधर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हमने एसी बुक करा था तो काफ़ी बेहद अच्छा रूम मिला है हमें। यहाँ पे होटल है परमार्थ निकुंज होटल, काफ़ी साफ सुथरा है। और अभी हम होने वाले फ्रेश। दोस्तों संभाजीनगर से हम बैठे थे कल 2 बजे और लगभग आज हम 11 बजे यहाँ पे मथुरा पहुँचे और वहाँ से फिर सीधा वृंदावन के लिए हम निकले। तो दोस्तों हालत काफ़ी ख़राब हुई है क्योंकि हमारा जो ट्रेन का टिकट था वो RSC था, कन्फर्म नहीं हुआ था और उसके कारण तो बीच में कई वीडियो नहीं ली हमने। सीधा हम यहाँ पर पहुँच गए वृंदावन में। होटल पर आए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगा क्योंकि सब AC वगैरह था तो ठंडा महसूस हुआ। और अभी बज गए हैं लगभग 12:15 बज गए हैं। तो अभी बाकी बिहारी जी मंदिर के हैं बंद हो चुका है। अभी 5 बजे खुलेगा, 4:30 से 5 बजे। तब तक हम क्या करेंगे, अभी ज़रा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे और खाना वगैरह खा लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर 5 बजे हम जाएंगे बाकी बिहारी जी मंदिर। और फिर उसके बाद में प्रेम मंदिर भी हम कवर करने वाले हैं। फिर जो यमुना घाट है वहाँ पर भी हम जाने वाले हैं। आज हम वृंदावन के जितने भी पॉइंट है वो सब कवर करने वाले हैं और कल सवेरे हम मथुरा निकलेंगे, मथुरा के जो पॉइंट है कल वो कवर कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे नए नए ब्लॉग हम लाते रहते हैं, भले लेट लाते हैं लेकिन लाते ज़रूर। चलिए ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर जी का दर्शन करके हम पहुंचे हैं प्रेम मंदिर। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 500 मीटर के आसपास है। लेकिन वहाँ के कोई फुटेज आपके लिए अवेलेबल नहीं कर पाए। उसका कारण यह है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं। जैसे आप कैमरा मोबाइल जेब से बाहर निकालते हो तो वो सीधा आके छीन के लेके चल जाते हैं। अगर आप वहाँ पे गॉगल भी लगाते हैं वो तो भी वो गॉगल भी निकाल के लेके जाते हैं। तो उसके कारण फुटेज वहाँ का अवेलेबल नहीं हुआ। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए और काफ़ी विशाल मंदिर था बांके बिहारी जी का। और ये रहा प्रेम मंदिर, ये भी एक विशाल मंदिर है, काफ़ी बड़ा इसका एरिया है। लगभग 66 एकड़ में ये बना हुआ मंदिर है। लगभग इसको 10 से 11 साल बनाने में लगे। श्री कृपालु महाराज द्वारा यह बना गई एक विशाल वास्तु है जो कि काफ़ी कम दिनों में ये पॉपुलर हो गया है। इसका लोकार्पण 2012-13 में हुआ है और यह इटालियन मार्बल में बना हुआ मंदिर है जो कि काफ़ी खूबसूरत, और उतनी ही खूबसूरत वहाँ पे लाइटिंग की गई है जो कि उसको 4 चांद लगा देती है। आप प्रेम मंदिर आने का यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे शाम को अगर आप आते हैं तो इसकी जो सुंदर लाइटिंग यहाँ पे जो किए गए, जो देखा हुए हैं वो काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग में आपको नज़र आते हैं। कुछ इस तरीके का मंदिर का रूप आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी, जैसे जैसे अंधेरा होता है तो उस तरीके से लाइटिंग इसके ऊपर खुलती है और काफ़ी बेहतर मनमोहक सुंदर ये दृश्य है।
जो कि यहाँ से निकलने का मन नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो काफ़ी सुंदर इसकी लाइटिंग और इसके साथ में फाउंटेन भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। और फाउंटेन काफ़ी आधुनिक तरीके से ये बनाया गया है, ये श्री कृपालु महाराज हैं, उनकी शोभा यात्रा भी यहाँ पे निकाली गई है और आप अभी सामने देख पाएंगे काफ़ी बड़ा यहाँ पे गार्डन भी है। और यहाँ पे कृष्ण जी की जितनी भी रास लीला है वो सभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे शाम के समय में होती है। तो आप सामने देख पाएंगे ये फाउंटेन अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस तरीके से लाइटिंग काफ़ी बेहतरीन नज़ारा यह होता है। तो दोस्तों कृष्ण जी की यह मंदिर परिसर में सभी रास लीलाएँ दर्शाई गई है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत है, कालिया नाग के साथ में जो हुआ वो दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और जो कृष्ण भगवान जी राधा की जो लीलाएँ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कृष्ण भगवान के साथ में जो गोपियाँ हैं उनकी भी रास लीला आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से 20 रुपये में आपको वो छोड़ देते हैं प्रेम मंदिर, और वहाँ से बांके बिहारी मंदिर ही 2 किलोमीटर के होता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं यमुना घाट, जो कि बांके बिहारी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा से आप जाएंगे तो ये आपको 20 रुपये में भी वहाँ पर छोड़ देगा। यहाँ पे दोस्तों हम बैठे हैं बोट में, और यहाँ पे बोटिंग की जो रेट है कुछ इस तरीके से है, सवारी बोट से अगर आप सफ़र करते हैं तो 50 रुपये सवारी होता है, जिसमें एक बोट में 25 से 30 लोग बैठते हैं। अगर आप स्पेशल लेके जाते हैं तो छोटा राउंड का आपको 250 से 300 रुपये चार्ज किया जाता है, अगर बड़ा राउंड लेते हैं तो आपको 500 से 600 रुपये का चार्ज यहाँ पर किया जाता है। हमने यहाँ से प्राइवेट बोट करी छोटे राउंड के लिए और यहाँ से हम निकल पड़े। यहाँ से हमने यमुना जी का पूजा का भी सामान लिया था, यहाँ पे हमने यमुना जी की पूजा की और कुछ मछलियों को मैडम जी ने खाना भी डाला, और फिर हमें वो सभी पॉइंट यहाँ पे नाव वाले ने बताए, जो कि कालिया नाग का जहाँ पे वध हुआ था वो स्थान भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। और काफ़ी विशाल यह यमुना नदी का पात्र है, लेकिन पिछले साल बारिश कम होने के कारण पानी थोड़ा सा यहाँ पे कम था। काफ़ी सारे साधु संत यहाँ पे यमुना के तीर पर आते हैं, इस घाट पर आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। काफ़ी पवित्र ये स्नान माना जाता है, बहुत सारे लोग भी यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, यहाँ पे नाचते हैं, गाते हैं और आनंद लेते हैं यमुना जी में घूमने का बोटिंग के माध्यम से। कुछ लोग ये तीर से वो तीर नहाने के लिए उस साइड में जाते हैं, और काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पे कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का विशाल महारूप है, इस तरीके के साधु संत भी यहाँ पे आते हैं, जो कि यहाँ पे स्नान करते हैं और फिर वापस बांके बिहारी मंदिर चले जाते हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं निधिवन। निधिवन वो जगह है जहाँ पे कृष्ण कन्हैया जी और राधा जी रास लीला करते थे, और यहाँ पे उनकी गोपियाँ, वह जगह है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। तो यहाँ से निधिवन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे आपको ऑटो से 20 रुपये लगेगा, वहाँ पे आपको छोड़ देगा और फिर वहाँ से आप निधिवन जा सकते हैं। दोस्तों निधिवन होकर हम आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी बंदर बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ का कोई फुटेज हम नहीं ले पाए। तो हम आए मदन मोहन मालवीय इस मंदिर पर। यह एक विशाल मंदिर है जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य दिव्य है, काफ़ी पुराना है, और यह मंदिर
देखने के बाद ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े मंदिर इतने पुराने, मतलब उस समय में भी इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके की विशाल यह वास्तु है। काफ़ी पुराना यह मंदिर है जो कि पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम निकल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि बांके बिहारी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे कुंज की गलियों में, यानी कि वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा साधन है इलेक्ट्रॉनिक ऑटो है, जो कि यहाँ की जो गलियाँ है काफ़ी छोटी छोटी है, उसके कारण ये ऑटो कहीं पर भी चला जाता है और ट्रैफिक का भी इसको कोई टेंशन नहीं होता है, ये आराम से निकल जाता है और 10-20-30 रुपये में आपको ये काफ़ी दूर तक छोड़ देता है। जितनी ज़्यादा सवारी है उतना कम किराया आपको इसमें लगता है। तो दोस्तों मथुरा वृंदावन अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके कारण आप एसी रूम ही करें। यहाँ पे रूम का भी कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होता है, 1200-1500 में आपको अच्छे से अच्छा होटल में एसी रूम का कमरा मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा होटल यहाँ पे है, बहुत सारी धर्मशालाएँ भी यहाँ पर है, उसके कारण रहने का कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल देखने के बाद में वहाँ से हम जाएंगे पागल बाबा मंदिर, जो कि इस्कॉन टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे नज़दीक आ गया है, हम बाहर से ही आपको बता देते हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। कुछ इस तरीके की विशाल वास्तु है, काफ़ी बड़ा यह मंदिर है इस्कॉन टेम्पल की, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ऐसा मनमोहक यहाँ का दृश्य है। और यहाँ की जो मूर्ति है कृष्ण भगवान जी की, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई हुई है। तो दोस्तों इस्कॉन टेम्पल पे जो प्रसाद मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और मंदिर के सामने ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम निकलने वाले हैं पागल बाबा मंदिर, और फाइनली हम पहुँच गए हैं पागल बाबा मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना विशाल कितना भव्य दिव्य ये मंदिर है। पागल बाबा मंदिर इसलिए कहा जाता है इस मंदिर को कि ये मंदिर जिन्होंने बना है उनका नाम था पागल बाबा, उनको इस मंदिर यह भव्य वास्तु बनाने के लिए, इसकी रचना के लिए एक अवार्ड से भी नवाजा गया है, जो कि एक विशाल भव्य दिव्य ऐसा मंदिर उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया है। काफ़ी कम समय में काफ़ी पॉपुलर यह मंदिर हुआ है, ये लगभग 7 मंजिलाना यह मंदिर है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मथुरा जन्मभूमि मंदिर, जो कि मथुरा में स्थित है, स्टेशन से लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंतर पर ही है ये। और यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ विवाद भी चल रहा है, बाजू में ही मस्जिद है और बाजू में ही मंदिर है, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। अंदर आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आपको मोबाइल लॉकर में रखना होता है, और कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह जमा कर दिया था लॉकर में, और वहाँ से हम निकले थे अंदर के लिए। और यहाँ पे काफ़ी विशाल बड़ा मंदिर है, यहाँ पे वो जन्म स्थान भी है कृष्ण भगवान जी का, वो कारागृह भी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, और काफ़ी सारे देवताओं के मंदिर भी अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक रासलीला जो है भगवान जी की, वो भी दर्शाई गई है, उसको एक सुरंग टाइप बनाया गया है, और उसमें काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य जो घटित हुए हैं वो वहाँ पे दिखाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। उसको 10 रुपये का टिकट भी आपको लगाया जाता है, लेकिन काफ़ी सुंदर दृश्य उस गुफा में वहाँ पे दिखाई देते हैं। दोस्तों जन्मभूमि जो मंदिर है इसका बंद होने का समय लगभग 9 बजे का है, 9 बजे यह मंदिर भी बंद हो जाता है। यहाँ पे वृंदावन में मथुरा में जो मंदिर के टाइमिंग है उसी टाइमिंग में उसको बंद किया जाता है। दोस्तों राधे राधे, 2 दिन से वृंदावन नगरी में बहुत सारे मंदिर देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, और कल जन्मभूमि पर भी जाके आए मथुरा, और द्वारकाधीश मंदिर गए उससे पहले, बाद में जन्मभूमि पर चले गए, और आज फाइनली यहाँ से निकलने का दिन है।
और आज काफ़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मैडम को आज हम लेके जा रहे हैं दिल्ली अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर अंदर तक कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से भी हम देखने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैडम को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चलिए मैडम को भी एक बार आपको बता देते हैं और उसके बाद में आगे प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी का। देखते हैं आगे आगे होता क्या, बहुत सारे सरप्राइज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। चलिए मैडम के पास चलते हैं। रेखा जी, आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। दोस्तों, परमार्थ निकुंज इस होटल का नाम था जहाँ पर हम रुके हुए थे। इनका रिसेप्शन है काफ़ी अच्छा, ये साफ सुथरा होटल था, रूम भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे थे। इनका रिसेप्शन है, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था और इन्होंने लगभग 1700 रुपये हमें चार्ज किए थे कमरे के। 24 घंटे के चेकआउट समय यहाँ पर था और ये होटल पूरा एसी होने के कारण यहाँ पे सभी सुविधाएँ अवेलेबल थी। हमने ये होटल इसलिए बुक किया था कि यहाँ से मंदिर जो है ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लगभग 300-400 मीटर पर ही यहाँ पे मंदिर है। इससे कम के भी होटल या कमरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतने महंगे कमरे यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से मंदिर नज़दीक था उसके कारण हमने यह होटल यहाँ पे बुक किया था। यह इनका रिसेप्शन है, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं लाल किला। हमें जाना था अक्षरधाम मंदिर, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं होने के कारण हम सीधा न्यू दिल्ली स्टेशन से आगे चांदनी चौक, और चांदनी चौक में है लाल किला। दोस्तों, दिल्ली आए हैं तो लाल किला अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपने क्या देखा है। यह वही किला है जहाँ पे 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत देश को यहाँ से संबोधित करते हैं। ये एक विशाल, दिल्ली की विशाल वास्तु भी इसे कहा जाता है। ये सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ पे लाखों लोग लाल किला यह स्थल को भेंट देते हैं। एक समय था कि लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों का समूह इस किले के अंदर रहा करता था। दोस्तों, किले के अंदर आपको यहाँ पे शॉपिंग के काफ़ी सारे दुकान देखने को मिल जाते हैं, जो कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अंदर मिल जाती है। दोस्तों, ये लाल किले का एंट्रेंस है। धूप काफ़ी ज़्यादा होने के कारण पहले हमने बाहर से वीडियो नहीं लिया था, लेकिन आप अभी देख सकते हैं आगरा का जो लाल किला है उसी पत्थर में यह लाल किला बना हुआ है। काफ़ी विशाल यह वास्तु है। दोस्तों, किले के जैसे ही आप बाहर आ जाते हैं तो किले के एग्जैक्टली सामने रोड जैसे आप क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे पड़ता है चांदनी चौक। चांदनी चौक यानी कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा मार्केट, जहाँ पे कपड़ा मार्केट, मोबाइल मार्केट, शूज, आप जो भी खरीदना चाहते हो हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। और वहाँ पे खाऊ गली भी है, जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है।
तो दोस्तों फाइनली हम कटरा पहुंच गए हैं। लगभग 12 घंटे हमारा ट्रेन लेट था। आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों ट्रेन लेट हो रहे हैं। तो चलिए हम ये देख रहे हैं वैष्णो देवी के ये सुंदर सी पहाड़ों की खूबसूरती। और यहाँ से चलते हुए हमें जाना है वैष्णो देवी। लगभग 16 किलोमीटर का प्रवास हमें यहाँ पे पैदल करना होता है। और ये पूरी चढ़ान है, आप देख पा रहे हैं पूरा पहाड़ चढ़ना होता है। लेकिन धीरे धीरे हम चलेंगे तो ज़रूर पहुँच जाएंगे। हमने ऐसा डिसाइड किया है कि रात को हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। अभी जाके हम रूम पर फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर शाम में हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने 9 बजे चढ़ना स्टार्ट किया है और लगभग आधे से ज़्यादा का अंतर हमने पार कर लिया है। और हम यह दृश्य देख पाए कि किस तरीके से कटरा सिटी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह वो स्टेशन है जहाँ पे हम उतरे थे। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर फ़िलहाल के लिए वैष्णो देवी आने का प्लान आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबा आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि यहाँ पे सभी गाड़ियाँ लेट चल रही है। उसका कारण है कि वैष्णो देवी आने के लिए अम्बाला जो रूट है ट्रेन का उस पर चालू है आंदोलन, वो रूट बंद है। और रोहतक मार्ग चालू है, लेकिन दोनों रूट की गाड़ियां एक ही रूट पे चलने के कारण लगभग 12 घंटे यहाँ की गाड़ियां चल रही है लेट। हमने जो पहली जम्मू तावी जो बुक की थी वो गाड़ी ही कैंसिल हुई और दूसरे गाड़ी में श्री शक्ति में हम आए जो कि लगभग 12 घंटे लेट हुई। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का रूट बनाया गया है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि घोड़ा आप घोड़े से जा सकते हैं, पालकी से आप जा सकते हैं, डोली से आप जा सकते हैं, या छोटे बच्चों के लिए बाबा गाड़ी यहाँ पर है। और आधे ऊपर जाने के बाद में वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मिल जाती है, लेकिन काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। जगह जगह पे यहाँ पे संस्थान की तरफ से खाने पीने की भी जो स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे लगे हुए हैं। काफ़ी रिजनेबल रेट में आपको चाय कॉफ़ी नाश्ता ये सभी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। जैसे कि घोड़े भी यहाँ से घोड़े पे बैठकर भी आप जा सकते हैं या डोली पे बैठकर भी आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाने की जो मज़ा है वो डोली में या घोड़े पे जाने में नहीं है। ये देख रहे हैं हम मंदिर, ये फाइनली यहाँ से हमें वैष्णो देवी माता जी का मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। जो पहली बार हम अगर उसको देख रहे हैं तो मानो हमें ऐसा लगेगा कि वाकई में ये कोई होटल है, लेकिन ये होटल नहीं है, यही मंदिर स्थल है। और वहाँ से इस तरीके से हमें चल के जाना है, इस पहाड़ों में से इस तरीके से रास्ता बना हुआ है। नज़दीक जाने तक भी हमें मंदिर का पता यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन नज़दीक नज़दीक जाने के बाद में कुछ इस तरीके का दृश्य हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और मंदिर के ऊपर आप यह मार्ग जो देख रहे हैं ये जाता है भैरव बाबा, जो कि वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद में अगर आप भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो आपको वैष्णो देवी माता का दर्शन नहीं होता है। तो दोस्तों फाइनली हम 9 बजे चलना स्टार्ट किए थे, 2 बजे हमारे दर्शन हो चुके थे। और जब सवेरे हम उठे तो जैसे ही हमने आँख खोली तो यह पहाड़ी ये वादी हमने यहाँ पे देखी, तो हमें से रहा नहीं गया। यह वो भवन है जो कि वैष्णो देवी माता टेम्पल का ही हम कहेंगे। इसमें से गुजरते हुए अंदर गुफा में हमें जाना होता है। काफ़ी विशाल यह वास्तु है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये दर्शन की लाइनें हैं। हमने तो रात में ही दर्शन कर लिया था, सवेरे उठ के हमें 7 बजे रोपवे स्टार्ट होने वाले थे और वहाँ से हम जाने वाले थे भैरव बाबा दर्शन के लिए। भैरव बाबा दर्शन के जाने के लिए यहाँ पे रोपवे की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन बहुत बड़ी लंबी लाइन यहाँ पे रोपवे के लिए थी। लगभग 2 घंटे हमें लाइन में रुकना पड़ा और फिर 2 घंटे लाइन में रहने के बाद में फाइनली हमें रोपवे का टिकट यहाँ से मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी शायद होगी रोपवे से, और जो ऊपर का जो पहाड़ है वो काफ़ी सीधा होने के कारण हम यहाँ पे रोपवे से जाने वाले थे। और फाइनली हमें यहाँ पे रोपवे का टिकट भी मिल गया था, लेकिन लगभग 2 घंटा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा था और फिर वहाँ से हम ऊपर के लिए निकल गए थे। दोस्तों यहाँ पे मंदिर में जाते समय वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए आपको मोबाइल वगैरह जो भी आपके पास है या फिर बेल्ट है वॉलेट है तो वो सभी चीज़ें आपको निकाल के लॉकर में रखनी होती है। लॉकर यहाँ पे निःशुल्क सेवा है, केवल आपको वो सभी चीज़ें संभाल के रखनी है और फिर मंदिर में जाना होता है। अब ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये रोपवे की लाइन है,
यहाँ से रोपे नीचे से स्टार्ट होगा और फिर वहाँ से आप बैठ के आप सीधा ऊपर भैरव बाबा के पास उतरेंगे और फिर वहाँ से दर्शन करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पे रोपवे का जो चार्ज आपको किया जाता है काफ़ी नाम मात्र चार्जेस है, 100 रुपये में आपको आने जाने की सुविधा यहाँ पे दी जाती है, लेकिन एक कंडीशन आपको दी है कि 4 घंटे के अंदर ही आपको प्रवास करना है। उससे ज़्यादा अगर समय आपको लगता है तो फिर वो टिकट वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाती है। ये रोपवे काफ़ी बड़ा है, लगभग 25-30 लोग उसमें खड़ा रह के जा सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ऊपर भैरव बाबा जी के दर्शन हुए हैं और यह नीचे का नज़र आप देख पा रहे हैं। यहाँ से मंदिर हमें नीचे दिखता है जो कि वैष्णव देवी माता जो भैरव बाबा जी का मंदिर ऊपर है और ये आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर दर्शन जो होता है वैष्णव देवी माता का वो गुफा के अंदर होता है। लगभग 42 मीटर की गुफा होती है, वो गुफा से आपको अंदर जाना होता है और वहाँ पर आपको दर्शन होता है। ये दर्शन दांग आप देख पा रहे हो किस तरीके की भीड़ यहाँ पे होती है। दिन में कुछ ज़्यादा ही क्राउड होता है, रात में क्राउड थोड़ा कम होता है, इसीलिए अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी माता आने का तो आप चलिए, अगर पैदल जाना चाहते हैं तो आप उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आराम से आप रात को चल सकते हैं। दोस्तों ये रहा वह मंदिर भैरव बाबा जी का मंदिर। वैष्णो देवी माता और भैरव बाबा जी मंदिर दर्शन को हमें समय नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए ही हमें काफ़ी समय लगता है। और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में एक बना हुआ है यह व्यू पॉइंट जहाँ पे आप देख सकते हो ये कश्मीर की वादियाँ, ये पहाड़। अगर ठंडी के दिनों में मान लो अगर आप दिसंबर या जनवरी में यहाँ पे आते हो दिवाली के समय, दिसंबर में स्नोफॉल भी आपको देखने को मिलता है। ऊपर से कुछ इस तरीके का विष्णु देव माता का भवन आपको देखने को मिलता है, नीचे आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा अंतर है, उसके कारण आपको छोटा दिखने लगता है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।